ऊपर से गिरने की वजह से ये फूट गई है। फूट गई नहीं मचान। और एक बड़ी परात ककड़ी हो रखी है, कूड़ने के बाद इतू सा निकलने वाला है इसमें से, ढेर सारी इसमें परात में ककड़ी थी और कूड़ने के बाद कुछ इतनी। जो वो धोता तो। गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को, और आज के दिन की शुरुआत सीधे ककड़ियों से होगी। और ककड़ियों के झाल के पास मैं जाने वाला हूँ। झाल का मतलब होता है जो बेल है हमारे वहाँ पहाड़ी में, उसे झाल कहते हैं, और उसमें लगी हैं ककड़ियाँ। और ककड़ियों का यूज पहाड़ी झोली में काफी ज्यादा आता है। हल्की हल्की रौनक घर के पास अभी भी मौजूद है, और देख सकते हैं कई लोगों ने यहाँ पर घास तो बचाई है और कई लोगों ने काट दिया है। धीरे धीरे ये इलाका पूरा कुछ ऐसा होने वाला है। और पिछले से पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैलों से खेती कर रहे हैं, और बाद में हम इसके ऊपर ट्रैक्टर भी लगाएंगे, क्योंकि बैलों के कंधे पे परेशानी होने लगी है, तो उनको छोड़कर अब हम ट्रैक्टर से भी खेती करेंगे। तो मैं निकल गया हूँ ऊपर वाले घर पे ककड़ी लेने, और ककड़ी इस पे लाऊंगा इस डोके पे, क्योंकि हाथ पे लादने से फिसल जाएंगे और फूट जाएंगे, और उसके लिए ये डोका बेस्ट है। ये देखिए, जहाँ मैं चला वहाँ ये बच्चे चले। चलो 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 चलो। ककड़ियाँ तो मैंने लगाई हुई थी, पर समय ना मिलने के कारण लगभग आधे से ज़्यादा सड़ चुकी हैं। तो इस वाले पेड़ पे जाना है मैंने, और इस पे लगी हैं कुछ ढेर सारी, तो इनको निकालते हैं फिर आगे की प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने ककड़ी तो निकाल दी, और ककड़ी निकालने के बाद अब है उनको ढूंढना। यहाँ गिरी है कुछ, यहाँ कुछ, वहाँ और ढेर सारे वहाँ। अब कैसे जाऊँ वो दिक्कत है। ऊपर से तो मैंने फेंक दिए हैं, पर नीचे आते आते अब डर लग रहा है, क्योंकि अगल बगल बहुत सारा बिच्छू घास है। उसके लिए अब एक ही उपाय है, ये लकड़ी और रिस्क। चलो उठाते हैं फिर फटाफट से। ऊपर से गिरने की वजह से ये फूट गई है, ये देखिए। और कोई कोई तो सही है, और ज़्यादातर ये फूट चुकी। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर कुछ इतनी ढेर सारी ककड़ियाँ घर की ओर। बिच्छू घास तो बहुत लग गया मुझे, और घर जाकर उसका इलाज भी आप लोगों को बताऊंगा कि बिच्छू घास से झंझनाहट दूर कैसे हो। बाकी आप लोगों को तो पता होगा, और काफ़ी लोग काफ़ी इंतजाम करते हैं। मैं तो नॉर्मल सा तेल लगाकर थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, तो बिच्छू घास की झंझनाहट दूर हो जाएगी। फूट गई नहीं मचान। तो आते ही चेक कर रही है कि कितने फूटे हैं और कितने वो हैं। मास शुरू हो गई है ककड़ियों के छोटे छोटे पीस करने के लिए, और इसके बीच में जो बीज होता है उसको निकालेंगे हम। और एक बड़ी परात ककड़ी हो रखी है, कूड़ने के बाद इतू सा निकलने वाला है इसमें से, तो अभी थोड़ी देर के बाद कोरेंगे
अरे कोरने वाले आए क्या, तो इनको कोरते हैं फटाफट से। इसको मैं वहां फेंक के आती हूँ पावा रोड का। सड़ी पड़ी की संभावना जोर भर ला पड़ा है, बहुत ही जोर लग रहा है ना। से जानते हैं आप, यह है चूड़ी जो हमने कूटे हुए थे दीपावली के टाइम पर, और माँ अभी ये वाला काम करते करते मुझे कुछ ये चूड़ी दिए खाने के लिए, तो इसका भी स्वाद लेते हैं। आजकल जवान उल्टा जवान है ना, तब कुड़ी की चमत्कार को अच्छा ना थोड़ी बहुत ककड़ियां कोरनी बाकी बची हैं, तो वो माँ कर रही है और माँ के हाथ का काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर बाल्टी मग्गा और पानी, साथ में भैंस को थोड़ा बहुत नहला देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी प्यासी है और उसको पानी देना बहुत जरूरी है, तो माँ ने मुझे ये वाला काम दे रखा है, तो ये काम मैं फटाफट से करता हूँ, फिर दोबारा से माँ के साथ वही काम करेंगे जो माँ कर रही है। ढेर सारी इसमें प्रात में कड़ी थी और कोरने के बाद कुछ इतनी जो वो धोता तो मिली। अब थोड़ा बहुत घास के लिए जाते हैं माँ के साथ, क्योंकि घास नहीं है और माँ के साथ थोड़ा सा घास लेने जाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, जब मैं रामनगर गया था, आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो जाकर देखना प्लीज, तो वहाँ हम लोगों ने दीमक के बड़े बड़े टीले देखे थे, और मैं आज अपने एरिया में ब्लैक चींटी होती है जो काली वाली, नुकसान तो कुछ नहीं करती है, वो काटती भी नहीं है, डंक भी नहीं लगता, तो उसने गजब का अपना घोंसला बना रखा है। माँ के साथ अभी मैं घास लेने आया हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ढेर सारी चींटियाँ इसके अंदर है, और कुछ घास के तिनकों को पिरो पिरो के और ये पतली सी झिल्ली बना रखी है देखिए, और इसके अंदर ढेर सारी चींटियाँ हैं। अगर मैं थोड़ा सा छेड़ाखानी करूँगा तो सारे बाहर आ जाएंगे, और मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और सबको आशियाना चाहिए, और इनका आशियाना अभी हम छेड़ने वाले नहीं। और जो भी इतनी बची हुई घास है, माँ ने बोला क्या है इसको बिल्कुल टच नहीं करने का, तो ये टच नहीं करना है इसमें, और इसमें ढेर सारी चींटियाँ ही चींटियाँ। और अभी ये वाला पौधा भी मिला मुझे, और इस पौधे की एक ख़ास बात है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये इसमें जो बीज हैं, ये जो बीज दिख रहे हैं आपको, और ये बीज थोड़ा सा कलर छोड़ते हैं कुछ ऐसे दबाने से, देखिए ये सब इनमें से निकलते हैं, ये तो बहुत कुछ जंगल में छिपा हुआ है। तो घर जाने की तैयारी होने लगी है, चार पुले ये हैं, आठ पुले, तो आठ पुले कट चुके हैं, दोनों घास काट कर आ गए, और दोनों दातुली मैंने मम्मी को थमा दी है, ये देखो ये दराची तो तूने हरा दिया है, ये दोनों हैं, हाँ दोनों मत को दोनों। माँ के साथ ऊपर आया हूँ और बकरियों को चारा दे दिया है माँ ने, साथ में बैलों को भी चारा, और अपना दूध लगा रही है भैंस को हल्का सा, इसको भी चारा दे रखे। और अब हम घर को जा रहे हैं, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है माँ के साथ, तो मेरे को दिखाना चलते हैं। ये देखिए अंधेरा बिल्कुल पट्ट वाला अंधेरा हो चुका है,
तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्काते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए।